भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को एनेक्सी भवन के सभागार में प्रदेश के लगभग 22 जिलों से आए एसडीएम और ईओ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एरियम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित भारत निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षक और एसडीएम मौजूद रहे, जिसके संबंध में एरियम एफआर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के 22 से अधिक जनपदों के एसडीएम एवं ईओ को भारत निर्वाचन आयोग के मास्टर ट्रेनरों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में एसडीएम और ईओ को मतदाता सूची के पुनरीक्षण और निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने, मतदान प्रतिशत बढ़ाने सहित अन्य महत्वपूर्ण चुनाव की जानकारी दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ईआरओ सीएम लगा है, आपके ग्रुप का फायदा उठा सकते हैं। आपके पास में भी कोई भी समस्या है तो आप उस ग्रुप पर रेस कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और नहीं तो अपने कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसकी वजह से ये सब चीज़ें की जा रही हैं। व्हाट्सएप, गूगल मीट, इसका आपने देखा होगा इस बार जो एक नया इनोवेटिव मेजर है, जो कि कोविड के समय में बिकॉज ऑफ जिस दिन आपका चुनाव की घोषणा होगी उस दिन से जब तक आप अपने विधानसभा में एस आर ओ अधिसूचना जारी करेंगे उसके 5 दिनों तक हर चुनाव का फेज अलग अलग होगा और हर आर ओ जब उनकी फेज आएगी तब अपनी अधिसूचना जारी करेंगे। इससे पहले आप आर ओ रहे कब रहे होंगे के पास कौन पहले पहली बार आप अपना पूरा प्रोग्राम जारी करेंगे, किस तारीख को अधिसूचना जारी होगी, नॉमिनेशन की तारीख रहेगी, लास्ट नॉमिनेशन भी रहेगा, विड्रॉ किस तारीख होगा, सूची याद होगी, आउटकम किस तारीख होगा। और ये विश्लेषण का विषय है और ये स्वयं आपको करना है कि यूपी में वल्नरेबिलिटी सामान्यता है कि नहीं, कभी 71 ऊपर जाता है क्यों? यहाँ एनएक्सी में और जीडीए में गोरखपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के 22 से अधिक जनपदों के निर्वाचक पंजीकरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अर्थात एसडीएम्स आए हुए हैं और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मास्टर ट्रेनर भेजे गए हैं। ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण है, 4 अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये 7 अक्टूबर तक चलेगा, और इसमें जो हमारे एसडीएम साहबान हैं, जो हमारे ईआरओ साहबान हैं, इनको जो इलेक्शन के नियम कानून होते हैं, कैसे मतदाता सूची कैसे तैयार की जाती है, उनमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।